हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे, आपका अपना दोस्त, आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट है, टर्म 2 का। पिछले के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप एक तरफ से सारे वीडियोस को देखोगे, टॉपिक्स को समझोगे, तो एक एक बातें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आती जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है थिन लेंस फार्मूला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थिन लेंस फार्मूला होता क्या है, इसका रे डायग्राम आप कैसे बनाओगे, और थिन लेंस फार्मूले को हम लोग डिराइव कैसे करेंगे। क्लास 10th में हमने थिन लेंस फार्मूला पढ़ा होगा। थिन लेंस फार्मूला वैसे आपको आई होप अच्छे से पता होगा। थिन लेंस फार्मूला एक्चुअल में होता क्या, ये होता है 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। दैट मीन्स वी कैन से दैट थिन लेंस फार्मूला इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। मतलब किसी भी रे डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जो इमेज डिस्टेंस होता है, और उस लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, इन तीनों के बीच जो रिलेशन होता है, बेसिकली उसी को क्या बोलते हैं, थिन लेंस फार्मूला बोलते हैं। तो ये जो थिन लेंस फार्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U है, इस फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे, इस वीडियो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए मैं क्या लिखा हूँ। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। वही चीज़ अभी जो मैं आपको बताया कि थिन लेंस फार्मूला बेसिकली होता क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से हमारा जो फोकस का डिस्टेंस होता है और इमेज डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, उन्हीं तीनों के बीच आपस में ये क्या होता है, एक रिलेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि हम लोग इस फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे। देखिए हमारे पास ये एक लेंस है, ठीक है, लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका। सेंटर से u डिस्टेंस पर AB एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसका हाइट कितना AB है। इसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना u है। अब देखिए, जब भी आपको, आपने रे डायग्राम इसके लास्ट वाला टॉपिक देखा होगा, तो कम से कम दो रेज हमको चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, A से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो देखिए ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस से यहाँ पर टकराएगा, और टकराते ये क्या होगा, फोकस होकर चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी रे अगर एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद फोकस से होकर के जाती है। तो इसका ये फोकस मान लेते हैं, तो AD यहाँ पर टकरा है और ये फोकस यहाँ पर चला गया। सेकेंड रेज हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से गुजार लेते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं। तो अगर A से एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो आपको पता है कि कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो सीधी सीधी निकल जाती है, ये रे सीधी सीधी निकल जाएगी। अब ये दोनों रेज जहाँ पर आपस में मिलेंगी, जैसे A डैश पर मिल रही हैं, तो यही A'B' का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यानी AB का जो इमेज बना वो क्या बना, A'B' बना। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो इमेज है वो उल्टा है, ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और ये रियल इमेज बनता है और मैग्नीफाइड बनता है। तीन चीज़ों को आपको याद रखना है कि ये जो इमेज का हाइट होगा ओरिजिनल इमेज के हाइट से बड़ा होगा, और ये इन्वर्टेड होगा, दैट मीन्स उल्टा होगा। देखिए यहाँ पर AB है, यानी B यहाँ पर बेस है, AB है, तो यहाँ पर देखिए उल्टा बन रहा है, A'B' बन रहा है। तो हमने ऑब्जेक्ट का नाम AB रखा है और इमेज का नाम क्या रखा है, AB' रखा है। अब चूंकि AB' इसका इमेज है, तो ऑप्टिकल सेंटर से हम कोई भी डिस्टेंस नापते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, वी ले लिया, और फोकल, ये जो फोकस है, और हमने ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या रख लिया, स्मॉल एफ रख लिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप ये डायग्राम आप अच्छे से समझ गए हैं। अब देखिए, बेसिकली हमको थिन लेंस फार्मूला प्रूफ करने के लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, बस दो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, दो दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर करते हैं, और आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बहुत आसानी से इस डेरिवेशन को हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, एक कौन सा, A'B'O, देखिए ये ट्रायंगल आपका बन रहा है, और सेकेंड हम लोग करेंगे AB'O। अगर इन दोनों ट्रायंगल का अगर हम आपस में बात करें तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, जो ये वाला बच्चों एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री है,
और ये भी एंगल कैसा है 90 डिग्री है, तो 90 90 डिग्री के दोनों एंगल है, तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा, वैसे दिखाने की जरूरत भी नहीं होती है। अगर दो एंगल इक्वल है तो सफिशियंट हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। बट यहाँ पर हम लोग मैथ तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे बस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। वैसे क्यों सिमिलर होंगे ये भी आपको मैं बता दिया। अब देखिए आगे मैं क्या लिखा हूँ इस बात को समझते जाइए। हियर ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश आर रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज आर फॉर्म, जो भी मैं आपको बताया कि ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश क्या है मैग्नीफाइड यानी इससे बड़ा और रियल और इन्वर्टेड इमेज बना। अब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल हम लोग लेंगे कौन कौन सा ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ और दूसरा कौन सा ए बी ओ, ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि टू एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि इसके दो एंगल इक्वल है। कौन कौन से इक्वल अभी आपको मैं बता चुका हूँ। अब देखिए आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इस ट्रायंगल का ये वाला साइड लेंगे तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड लेंगे, यानी 90 जिस पे बना है 90 90 करस्पॉन्डिंग, मतलब कि ये वाला साइड इसके प्रोपोर्शनल होगा, ये वाला साइड इसके प्रोपोर्शनल होगा और ये हाइपोटेनस वाला हाइपोटेनस के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ए डैश बी डैश प्रोपोर्शनल टू ए बी, तो साइड प्रोपोर्शनल दैट मीन्स दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं, मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी यहाँ पर लिखा हुआ है। और इक्वल्स टू अगर ये वाला साइड का बात करेंगे तो ये ओ बी डैश है और यहाँ पर क्या ओ बी है, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ बी डैश अपॉन ओ बी, देखिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दो ट्रायंगल और कंसीडर करेंगे, एक ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे ए डैश बी डैश एफ और दूसरा मैं करूँगा डी ओ एफ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डायग्राम आप अपने कॉपी पर बना लीजिए ताकि जब मैं आगे का पार्ट बताऊं तो आपको समझ में आए, क्योंकि डायग्राम सामने होना चाहिए बच्चों अगर टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो देखिए यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, फिर मैं पेज को चेंज करूंगा। देखिए अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को लें तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों आपस में इक्वल होंगे और सिमिलरली क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इसके भी साइड्स हम लोग प्रोपोर्शनल सेम इसी वे में लिखेंगे कि ए डैश बी डैश अपॉन डी ओ इक्वल्स टू एफ बी डैश अपॉन एफ ओ, यानी इसका भी वही बेस बेस के प्रोपोर्शनल लिखेंगे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के प्रोपोर्शनल लिखेंगे। तो चलिए मैं पेज को चेंज कर ले रहा हूँ, आई होप आपने डायग्राम को पॉज करके बना लिया होगा। तो बच्चा पार्टी देखिए उसी चीज़ में लिखा हूँ, वही दोनों ट्रायंगल जो भी मैं आपको बताया, दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग सिमिलर लेंगे तो उसके भी साइड्स क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखें, चलिए मैं डायग्राम थोड़ा सा रफली बना लेता हूँ क्योंकि डायग्राम सामने होना चाहिए अगर आपको समझना है। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम था हमारा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ये लेंस था, ये एक्सिस था, यहाँ पर हमने ए बी ऑब्जेक्ट का हाइट रखा था, यहाँ से रे यहाँ गया और ये आपका रिफ्रैक्टिंग एक्सिस था और इसके फोकस से ये जाएगा आपका ये एफ होगा और एक आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओगे, ये दोनों आपस में जहाँ मिलेंगे वहाँ पर आपका इमेज बनेगा। इमेज का हाइट हमने बी डैश ए डैश लिया था तो उसी में मैं लिख देता हूँ। ये वाला देखिए मैं यू लेके रखा हुआ था और इस वाले डिस्टेंस को हमने एफ रखा था। मैं रफली जल्दी से बना देता हूँ, ऐसे डायग्राम तो आप ऑलरेडी बना चुके होंगे, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर बना रहा हूँ। ये आपने वी लिया था, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको डी लिखा था, इसको ओ लिखा था, आई होप ऐसी कुछ डायग्राम था। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों ट्रायंगल का हम लोग बात करेंगे तो ये वाला एंगल इसे वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे ना, तो ए डैश बी डैश अपॉन डी ओ, देखिए यहीं पर मैं लिखा हूँ ए डैश बी डैश अपॉन डी ओ इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन एफ ओ, एफ बी डैश अपॉन एफ ओ या ओ एफ आप बोलो। लेकिन अगर हम लोग डायग्राम से बच्चों देखें तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो ए बी का हाइट है वो ओ डी के हाइट के इक्वल है, भाई जितना बड़ा ओ डी है या डी ओ है उतना बड़ा ही तो ए बी है, तो हम लोग डी ओ की जगह भी ए बी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी ओ लिखा हुआ उसकी जगह ए बी बस पुट कर लेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन में सेम लिखा हूँ। अब चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल है डी ओ और ए बी, तो हम लोग डी ओ की जगह क्या लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं। और जैसे हमने ए बी लिखा तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा इक्वेशन बना था उस इक्वेशन में भी पिछला जो इक्वेशन नंबर वन हमने बनाया था वहाँ पर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ही था,
आप चेक कर सकते हैं। और इक्वल्स टू एफ बी डैश अपॉन एफ ओ, तो आपको पता है कि जब दो इक्वेशन को लेफ्ट साइड आपस में इक्वल होते हैं तो राइट साइड अपने आप इक्वल होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू। अब यहाँ पर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी पहले इक्वेशन में भी लेफ्ट साइड था और दूसरे इक्वेशन में भी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट लेफ्ट को हमने इक्वल किया तो राइट राइट इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर वन का राइट साइड आपका है ओ बी डैश अपॉन ओ बी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए राइट हैंड साइड आपका क्या है, ओ बी डैश अपॉन ओ बी है ना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल रख लेंगे। तो अगर यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इक्वल रख रहे हैं तो ओ बी डैश अपॉन ओ बी और इसका राइट हैंड साइड क्या एफ बी डैश अपॉन ओ एफ है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल रख लेंगे। अब देखिए अगर अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम लोग इसको सारी चीज़ों को यहाँ पर रखना चाहेंगे तो देखिए डायग्राम को मैं फिर से आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आप अच्छे से मेरी बात को समझो। अब यहाँ पर देखिए ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ओ बी डैश अपॉन ओ बी, इसको हमने सेम रखा है। अब एफ बी डैश का मतलब आप समझिए, देखिए डायग्राम में अगर ये एफ बी डैश है तो एफ बी डैश का डायरेक्ट तो हमको कुछ दूरों के बीच का डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन आपको ये ओ बी डैश पता है। ओ बी डैश कितना है, वी है, और ओ एफ कितना, एफ है। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस बोलूँ तो भाई ये पूरा डिस्टेंस वी है और ये पूरा डिस्टेंस एफ है, तो हम लोग क्या करेंगे पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये भी मिल जाएगा, जिसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी माइनस एफ हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई ओ बी डैश में से ओ एफ को माइनस कर देना। तो देखिए वही मैं क्या हूँ, ओ बी डैश को ओ एफ को माइनस कर दिया हूँ, तो अपॉन कितना हो गया आपका, ओ एफ हो गया। अब देखिए बाई यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वर्जन, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट वाले डिस्टेंस को हम लोग सॉरी माइनस लेते हैं, राइट वाले डिस्टेंस को प्लस लेते हैं, ये सारी चीज़ें आई होप आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी। तो अगर आप देखेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ओ बी डैश, तो ओ बी डैश का मतलब यहाँ पर क्या, देखिए ओ बी डैश मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं सॉरी इमेज डिस्टेंस है वी, तो देखिए इसकी जगह हम लोग वी पुट कर दिए, और ओ बी क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था ओ बी ना, और इसको हम लोग यू लिए हैं। अब चूंकि ये लेफ्ट साइड है इसलिए हम लोग इसको माइनस में लिखेंगे, ये माइनस यू हो गया। वैसे ही ओ बी डैश ओ एफ को अगर आप देखेंगे तो वी माइनस एफ हम लोग लिख सकते हैं, वैसे ही ओ एफ को हमने क्या देखिए डायग्राम में लिया, एफ लिया, यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग सारे डिस्टेंस को हमने जो जो लिया हुआ था यू वी एफ उसके हिसाब से हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आप बहुत ही डेरिवेशन के करीब हैं, लगभग लगभग आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अगर v का f में मल्टीप्लाई करेंगे तो vf हो जाएगा, माइनस u का v में करेंगे तो माइनस यू भी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, uf हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इसको लेफ्ट साइड ला रहे हैं इस वाले टर्म को, तो आपको पता है कोई भी टर्म लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है तो उसके फ्रंट का साइन चेंज हो जाता है। तो ये राइट साइड था, इसको अपने लेफ्ट लाया तो ये प्लस हो गया, और ये यू एफ हमने सेम लिखा, और ये लेफ्ट था प्लस था राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, इसलिए मैं लिख दिया डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू वी एफ वी एफ। अगर हम लोग इसको यू वी एफ से डिवाइड कर दें, इसको भी यू वी एफ से डिवाइड कर दें, इसको भी यू वी एफ से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यू वी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, वन बाई एफ बचेगा। यहाँ पर यू एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, वन बाई वी बचेगा। और यहाँ पर देखिए वी एफ और ये वी एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, वन बाई यू बचेगा, और ये माइनस आपका रखा हुआ है। तो देखिए यही तो हमको डेरिवेशन करना था कि वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ठीक है। इसी फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, थिन लेंस फार्मूला बोलते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना, और ये डेरिवेशन देखिए बहुत ही आसानी से आपको एक एक करके समझा दिया, आई होप ये सारे डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मैं नोट करके लिख दिया हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो। दिस फार्मूला कैन ऑल्सो बी प्रूव फॉर द कॉनकेव लेंस फॉर द वर्चुअल इमेज इन द सेम वे, अगर हम लोग चाहें तो इसी तरीके से हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए भी फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। आई होप एक बार आप इसको समझ जाओगे तो कॉनकेव के लिए भी कर लोगे, लेकिन अगर आपको कॉनकेव लेंस के फार्मूले के हिसाब से सॉरी कॉनकेव लेंस के हिसाब से अगर आपको थिन लेंस फार्मूला डिराइव करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो। तो इस वीडियो में यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और फिजिक्स टर्म टू का पार्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।